watching Star 9 News. मुंबई में एक तरफा प्यार की सनक में एक महिला की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये मामला मुंबई के अंधेरी इलाके का है। मृतक महिला का नाम अनाबीबी अमीर शेख था। 28 वर्षीय अनाबीबी शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे भी थे। अनाबीबी बार में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी। आरोपी किस्मत शेख उम्र 19 साल ये भी अनाबीबी के गांव का ही बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक रात 10 बजे अनाबीबी अंधेरी पब्लिक ब्रिज से घर लौट रही थी, तब भी अनाबीबी का आरोपी आशिक किस्मत शेख वहां पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आरोपी किस्मत शेख ने अनाबीबी पर चाकू से लगातार हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद आरोपी किस्मत शेख वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था, पर भीड़ ने इस सिरफिरे आशिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ज्यादा खून बह जाने की वजह से अनाबीबी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी और मृतक महिला एक दूसरे को जानते थे, वह एक ही गाँव के है। कुछ दिन पहले ही महिला झारखंड से मुंबई आई थी और एक बार में बतौर बारगर के रूप में काम कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने अनाबीबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मृतक महिला से एक तरफा प्यार करता था, पर प्यार में नाकाम होता देख आरोपी किस्मत शेख ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। स्टेशन ईस्ट वेस्ट जाने वाले एक बीएमसी ब्रिज पर एक रात को कुछ 10:15 बजे लेडी का 28 साल की लेडी का डेड बॉडी मिला है। उधर उसको स्टैब इंजरी हुई है। कूपर हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर किया है। अभी हमारा टीम कूपर हॉस्पिटल में उसका पंचनामा ड्रॉ करके बाद में जो लीगल कार्रवाई की जाएगी।